नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा वैट घटाएं राज्य सरकारें। देश में बढ़ते कोविड मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि सभी योग्य बच्चों का टीकाकरण सरकार की प्राथमिकता है। यूपी में अलग अलग धार्मिक स्थल से 6031 लाउडस्पीकर हटाए गए, 29674 की ध्वनि की गई कम। महंगाई पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर ममता बनर्जी का जवाब, कहा राज्यों पर ऐसे दबाव नहीं बना सकते। पश्चिम बंगाल में गर्मी को देखते हुए 2 मई से सरकारी स्कूल में शुरू होगी समर वैकेशन। दिल्ली में बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। तमिलनाडु में बड़ा हादसा, 11 लोगों की करंट लगने से हुई मौत, 15 अन्य लोग हुए घायल। देश भर में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2927 नए मामले सामने आए, वहीं 32 लोगों की मौत हुई। चेन्नई सुपर किंग्स को लगा एक और बड़ा झटका, मोइन अली चोट की वजह से नहीं खेल पाएंगे अगले कुछ मैच। साउथ अभिनेता रामचरण की अपकमिंग फिल्म आचार्य से काजल अग्रवाल बाहर हो गई हैं, साथ ही खबर आ रही है कि फिल्म में अनुष्का शेट्टी दिखाई देंगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।